नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी पार्लर में जाकर महंगे महंगे डी टैन यूज करते हैं, यानी कि अपने फेस पर से टैनिंग हटाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो रुक जाइए। आज हम आपको घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अब आपको महंगी चीजों को इस्तेमाल करना छोड़कर सस्ती चीजों से ही आप अपनी टैन को हटा सकते हैं। इस वक्त कड़ाके की धूप में टैनिंग से बचना काफी मुश्किल हो गया है। भले ही आप घर से ना निकले हो, यूवी किरणों का असर जो है अंदर भी पड़ता है। वहीं एक बार भी धूप में निकलने के बाद स्किन बुरी तरीके से टैन हो जाती है। टैनिंग वैसे तो आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन, शादी में जाना है या कोई त्योहार है, तो इसे जल्द से खत्म करना बेहद जरूरी है। वैसे तो धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाने, कवर करके निकलने की सलाह दी जाती है। अगर आपको टैनिंग हो ही गई है, तो आप पार्लर के महंगे एडमी टैन फेसियल के बजाय ये घरेलू उपाय अपनाएं। जी हाँ, उसमें सबसे पहला आता है बेसन और हल्दी का उपटन। टैनिंग हटाने के लिए आप घर पर एक ऐसा उपटन बना सकती हैं, जिसे स्क्रब और फेस पैक दोनों के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये उपटन बेहद आसान है। 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लें, गुलाब जल से घोल लें। इस उपटन को फेस पैक की तरह चेहरे पर टैनिंग वाली जगहों पर आधे घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद स्क्रब की तरह गुड़ाई से रब करके इसे हटा लें और उसके बाद पानी से अपना चेहरा धो लें और देखिएगा कैसे आपकी टैनिंग की समस्या जल्दी से हट जाती है। वहीं अगर दूसरी बात करें एंटी टैन के लिए, तो दही और टमाटर। गर्मी के दिनों में टमाटर और दही खाना भी सबको पसंद होता है और लगाना भी। जी हाँ, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। ये सेहत के साथ स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसे चेहरे पर लगाने से टैनिंग खत्म हो जाती है। एक टमाटर का गुदा निकाल कर इसमें दही मिलाकर ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले, या फिर टमाटर को कद्दूकस कर ले, इसमें दही मिलाकर फेंट ले। इस पेस्ट को आधे घंटे चेहरे पर लगाए रहे। ध्यान रखे दही फ्रेश हो और जहाँ इसे लगाया जा सकता है स्किन कटी ना हो। इसको फ्रेश पानी से फिर धो लो और उसके बाद अपने चेहरे की एक बार रंगत को देखें। देखिएगा कैसे निखर कर सामने आता है और उसके बाद आप अपना चेहरा खुद पहचानने से इनकार कर दीजिएगा। जी हाँ, ये दोनों फेस पैक टैन के लिए काफी अच्छा है। ये काफी असरदार भी है। आप एक बार इसे जरूर लगाएं। अगर आपको टैनिंग की समस्या नहीं भी है, तो भी आप इस फेस पैक को सप्ताह में एक बार जरूर अप्लाई करें। आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, बेसन हल्दी वाला उपटन या फिर दही टमाटर वाला फेस पैक। इन दोनों को सप्ताह में एक बार जरूर लगाएं और फिर देखिए कि टैन तो हटेगी ही, साथ ही साथ आपके चेहरे की रंगत में एक अलग सा निखार और लाइट आएगा, जो आपको खुद देखकर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।